हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ बीबीसी यूएसए पाकिस्तानी आर हर्ट आफ्टर इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 वैभव सिंह। तो वैभव सिंह जुड़े हैं भाई साहब, आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जो है बीबीसी वाले क्या बोल रहे हैं और पाकिस्तान क्या बोल रहा है। देखते हैं वीडियो और अपना व्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं वीडियो स्टार्ट। Because some people will be thinking about this. India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? टीवी पे बैठ के बोल क्या रहा है बीबीसी का जो एंकर है कि भारत जैसे गरीब देश जिसकी आबादी में से 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वो स्पेस में क्या कर रहे हैं? वो चांद पे क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे लिए टॉयलेट बनवाने जा रहे हैं कि क्योंकि ऑल यू डू इज शिट। दुनिया के नंबर वन क्लास के चोट्टे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो तो नाराज तो खैर वो होंगे ही कि जिस कंट्री के ऊपर हमने 200 साल रूल किया है और पिछले 70 साल से यही प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं कि इंडिया वॉज मच बेटर ऑफ अंडर ब्रिटेन, हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम पहले से ही चांद पे हैं। तो बोलते हैं कि भाई साहब हम कैसे चांद पे हैं? तो कहते हैं अरे चांद पे गैस है? बोलते हैं नहीं। चांद पे पानी है? कहते हैं नहीं। क्या चांद पे बिजली है? नहीं। तो कहिए सब तो हमारे यहाँ भी नहीं है। तो चांद में और पाकिस्तान में क्या अंतर है? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूँ वैभव। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें या डिटेल स्क्रीन पर भी फ्लैश करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूँ संदीप। वैभव जी, क्या समस्या है बीबीसी को भारत की तरक्की से? बीबीसी को समस्या ही समस्या होगी। हम तो इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, ये इनसे नहीं बर्दाश्त होना। और देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। हर एक भारतीय का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। ये चंद्रयान 3 जब साउथ पोल पे लैंड किया है, मून के दुनिया का पहला देश है भारत जो साउथ पोल पे लैंडिंग जिसकी हुई है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनकी तपस्या का आज फल निकला है। जो दुनिया के जिस भी कोने में भारतीय रहते हैं वो सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर, जहाँ तक देखिए बात बीबीसी की है, बीबीसी को की नाराज़गी बनती है। अच्छा, बीबीसी की नाराज़गी बनती है। देखिए, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। चोर थे इंडिया में, बेसिकली चोरी ही कर रहे थे ना, हमारे रिसोर्सेज चुरा रहे थे, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको चोरी कर रहे थे और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को किल करके अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ा रहे थे। तो बेसिकली दुनिया के नंबर वन क्लास के चोट्टे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो तो नाराज़ तो खैर वो होंगे ही कि जिस कंट्री के ऊपर हमने 200 साल रूल किया है और पिछले 70 साल से यही प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं कि इंडिया वॉज मच बेटर ऑफ अंडर ब्रिटेन, भारत अंग्रेजों के शासनकाल में आज से कहीं अच्छा था। आपको याद होगा पहले, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले इंडिया में ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाते जो अक्सर ये बोलते थे यार इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अरे अंग्रेज थे तो इतना ये नहीं था, ये ना अंग्रेज चले गए गलती कर दी, अंग्रेज रहते तो भारत आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, ये बोला जाता था हमको याद है। हाँ, और हमारे देखने वालों को भी याद होगा, उनको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे इस तरह के। इवन आप आज भी 10 साल पहले भी ये नैरेटिव था मतलब समाज में। अब अचानक से वही देश जिसके ऊपर 200 साल रूल किया, 70 साल प्रोपेगेंडा किया और वो जो टीस थी उनके अंदर की कि जहाँ से जूते मार के निकाला गया उनको, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसने जो इनको जूते मार के यहाँ से भगाया, तो अब वो कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा कि वही सेम देश 70 साल में उसकी इकोनॉमी भी यूके से बड़ी हो गई इंग्लैंड से, उसका विकास भी उनसे ज़्यादा हो गया और डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, हर चीज़ में हम उनसे बेटर ऑफ हो गए, स्पोर्ट्स में,
आप नाम लीजिए, हर एक फील्ड में हम उनसे बेटर हो गए 70 साल में, तो वो बर्दाश्त तो नहीं होगा। तो अब देखिए, बना बीबीसी प्रोपेगेंडा के लिए था, तो प्रोपेगेंडा कैसे छोड़ दे। 2019 में इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, इंडिया में खुले में शौच करने की आवश्यकता 2019 के बाद किसी व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास टॉयलेट की सुविधा भारत सरकार ने बनवा करके दी है। कोई जबरदस्ती जाए, कोई ना माने, वो उसकी मर्जी है, बट ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपना खुद का टॉयलेट ना हो 2019 में। उसके बावजूद वो टीवी पे बैठ के बोल क्या रहा है, बीबीसी का जो एंकर है, कि भारत जैसे गरीब देश जिसकी आबादी में से 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वो स्पेस में क्या कर रहे हैं, वो चांद पे क्यों जा रहे हैं, तुम्हारे लिए टॉयलेट बनवाने जा रहे हैं, कि क्योंकि ऑल यू डू इज शिट। तो जब तुम पहुंचोगे वहां पे, तो ओनली थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज दैट यू विल बी शिटिंग देयर। तो चांद पे भी जाएंगे, तो चांद पे जब आप पहुंचेंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप पहुंचेंगे वहां पे, तो हम आपके लिए वहां टॉयलेट बनवा रहे हैं। ठीक है, जिसे कहना पड़ेगा कि फंड एलोकेट कर दें। बिल्कुल। और भारत ने 80 करोड़ लोगों को बिठा करके खाना खिलाया है पूरे कोविड में। खिला रहे हैं अभी, अभी भी खिला रहे हैं, आज तक चल रही है वो स्कीम, जो 80 करोड़ लोग हैं उनको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो बीबीसी वालों को है, ये आ सकते हैं लाइन लगा के राशन लेने के लिए, पहुंचे जाएं, लाइन लगा सकते हैं, जाएं कंट्रोल पे, जाएं कंट्रोल पे खड़े हो लाइन लगा के, लेकिन उसके लिए राशन कार्ड लगेगा। राशन कार्ड नहीं, ऐसे नहीं, फ्री सबको मिलता है, लगा सकते हैं लाइन आके, राशन कार्ड तो दिखाएंगे, राशन कार्ड दिला देंगे, मोदी जी से बात कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए, ये राशन कार्ड की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन चोर, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि चोर है, चोरी करेंगे, हेरा फेरी से तो जाएंगे नहीं। इंडिया में जो बीबीसी है, इसने एडमिट किया है कि हाँ, हमने 70 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की है। तो चोरी मतलब वो नेचर, 70 करोड़ रुपए। अभी जब बीबीसी की, जब ये डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत कूद रहे थे, गुजरात के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसको भारत सरकार ने बैन किया, और बिल्कुल सही बैन किया था। 2002 के ऊपर, चुनाव से एक साल पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने का क्या मतलब है? अच्छा, ये अपने आप, अच्छा सरकार ने भी थोड़ा ओवर हैंडेड ये दिखा भी देते डॉक्यूमेंट्री, इनकी डॉक्यूमेंट्री देखता कौन है? मतलब इनकी डॉक्यूमेंट्री कौन देखेगा? ये वही लोग देखेंगे जो इनको अभी भी देखते हैं, तो वैसे भी देखेंगे, और जो देखेगा वो 4 गालियां देगा ही। तो खैर, इंडिया ने, गवर्नमेंट ने बैन किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जरा इनका हिसाब किताब निकालो, देखो ये क्या कर रहे हैं। तो इनका हिसाब किताब निकला, तो इनके रेड पड़ी, तो पत्रकारिता खतरे में आई, कि भारत में जो है पत्रकारों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, सब जो है वो हो हल्ला मचा। उसके बाद क्या निकला, जब पूछताछ हुई तो खुद कबूला कि हाँ, 46 करोड़ रुपए हमने निपटा दिया है, चोरी किए हैं टैक्स के। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो चोर होता है वो चोर होता ही है, करता है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। आदत अगर किसी को किसी चीज की पड़ गई है, तो वो आदत इंसान के साथ मरती है। ये चोट्टो जो जितने भी हैं, ये बीबीसी वाले, ये जहां जाएंगे दुनिया में वही काम करेंगे, क्योंकि बाप दादे भी वही करते थे ना। इनके बाप दादे, उनके परदादे दुनिया में घूम घूम के चोरी ही कर रहे थे, डकैतियां ही डाल रहे थे, अत्याचार ही कर रहे थे, लोगों की हत्याएं ही कर रहे थे। तो इस तरह के जो कहते हैं ना कि पशु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत जो है वो चंद्रयान इंडिया का जो है वो पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, वो मार्स मिशन इंडिया ने कंप्लीट कर लिया, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। टकर कार्लसन है, फॉक्स न्यूज वाला, फॉक्स न्यूज के इंडिया में भी एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली जो राइट विंग है वो उनको बहुत पसंद करता है। उन्होंने जब अभी इनकी जो क्वीन एलिजाबेथ मरी थी, तो उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फोटो दिखाई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, मुंबई की, और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए, इसके जैसी 70-75 साल में भारत कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बना पाया। Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the U.K., the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? पहली बात तो वो बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस का जो रॉ मटेरियल, वो भारत का, उसका लेबर भारत का, उसमें काम करने वाले बाकी लोग भारत के,
उसमें पैसा भारत के टैक्स पेयर का, जमीन भारत की, सब कुछ भारत का, और बनवाया किसने है? अंग्रेजों ने। वही सेम हाल ताजमहल का है, संगमरमर भारत का, लेबर भारत का, आर्किटेक्ट भारत का, जमीन भारत की, पैसा भारतीय टैक्स पेयर का, बनवाया किसने है? शाहजहां ने। अरे अपने सर पे रख के क्वीन एलिजाबेथ और विक्टोरिया टर्मिनस यहां पे लेके आई थी बॉम्बे में, या ताजमहल मुगल अपने शाहजहां अपने सर पे लेके आया था? अगर मुगल इतने बड़े आर्किटेक्ट थे तो कितने ताजमहल अफगानिस्तान में बनवा लिए इन्होंने? मुझे इसी का जवाब चाहिए। कितने कुतुब मीनार, कितने ताजमहल, कितने लाल किले अफगानिस्तान में? एक भी नहीं। और मुगल्स का स्ट्रक्चर भी यही दो चार स्ट्रक्चर है, बाकी तो कब्रें हैं ना। ताजमहल खुद एक मकबरा ही तो है, मतलब उसको आप रोमांटिसाइज करके चाहे जो बना दीजिए। एनीवे वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आप देख लीजिए कि अंग्रेज जितने भी इंडिया में डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, ये सारे डिपार्टमेंट्स कौन थे? रेलवे, रेडियो और डिफेंस। इंडिया में आज की डेट में भी सबसे ज्यादा जमीनें किस डिपार्टमेंट के पास है? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज किन डिपार्टमेंट्स के पास है शहरों के अंदर? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। बॉम्बे आप चले जाइए, मुंबई में, कोलाबा में आपको जितनी प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, रेडियो क्लब हो गया, बैरल हाउस हो गया, जंजीरा हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये किनके पास हैं? ये रेडियो के पास। भाई इंडियन जो पहले बीबीसी अब चैनल बन गया ना, पहले तो रेडियो ही था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वॉज द रेडियो एसेंशियली। तो वो रेडियो क्लब वहाँ पे जो है, उसकी लोकेशन और उसका सब कुछ जो है, ये आपके ताज होटल से बेटर है रेडियो क्लब। हाँ, पास में ही है उसके। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरह के जितनी भी इनकी देखेंगे, अब वो अंग्रेज आते थे यहां पे, रेलवे के बंगलोज बनवाते थे। आप आज भी देख लीजिए, जो रेलवे के अधिकारी हैं वो जिन बंगलोज में रहते हैं वो कितने बीघों में होते हैं, एकड़ में। डिफेंस के पास कितनी जमीन है सबको पता है। उसके बाद आप इनको देख लीजिए। तो ये क्यों है एसेंशियली? बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो, उनके ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट्स के, इन विभागों के, वो सारे ब्रिटिश होते थे, इंडियन नहीं होते थे। इनके जो ऑफिसर्स होते थे इन विभाग के, वो सारे के सारे ब्रिटिश होते थे एसेंशियली, इंडियन नहीं होते थे। तो ये सारा का सारा इनका है। अब उनको छोड़ के जाना पड़ा, कष्ट है। आते थे इंग्लैंड से, आते थे यहाँ, अय्याशी करते थे इंडियन टैक्स पेयर के पैसे पे, हिंदुस्तानियों का खून चूस चूस करके मजे मारते थे यहाँ पे, और फिर लौट करके लंदन में बोस्ट करते थे। तो वो कैसे बर्दाश्त करें कि इंडिया इतना कुछ अचीव कर रहा है? नहीं बर्दाश्त होगा। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, 142 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में भारत सरकार हर एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक भारतीय का है, जो गरीब है। वो अपने यहां दे रहे हैं। ये अमेरिका में होमलेसनेस खत्म नहीं हो रही इनसे, चोरी डकैती हो रही है खत्म नहीं हो रही, पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही, मास शूटिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही, एक ऐसा समाज नहीं निर्माण कर पाए पिछले अपने सो कॉल्ड 200 साल की डेमोक्रेसी में, जहां पे गोरा अफ्रीकन अमेरिकन को और अफ्रीकन अमेरिकन गोरे को एक्सेप्ट कर ले। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर के लोग इतने डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फायर ओपन कर देते हैं। एक ऐसा समाज आप नहीं बना पाए जहां पे कंपैशन हो, जहां पे स्नेह हो। आप भारत के लोगों को लेक्चर दे रहे कि भारत एक बिल्डिंग नहीं बना पाए। अरे आकर के अंबानी का मकान देख के जाओ ना। तुम यही कह रहे हो ना 75 साल में। अंबानी हाउस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। दुनिया का सबसे महंगा घर इंडिया में है। उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ रुपए है। अच्छा, 10,000 करोड़ का एक भी मकान ना पूरे यूके में है ना पूरे यूएस में है। इवन यूके का भी जो सबसे महंगा मकान है वो एक इंडियन ओन करता है।
आपने सुना होगा वो जो स्टील इंडस्ट्रीज के मित्तल है, लक्ष्मी मित्तल, ही ओन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन यूके। अब कोई अब फैक्ट चेंज हुआ होगा मुझे नहीं पता, एज फार एज कुछ साल पहले तक यही था। इवन यूके का जो पीएम है वो इंडियन है अभी फिलहाल, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है इज एथनिकली एन इंडियन। तो ये चीजें इनसे नहीं बर्दाश्त होंगी, ये भारत के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है यूके के खुद की आबादी कितनी है? बहुत नॉमिनल, इंडिया के एक स्टेट के बराबर। इंडिया पूरे यूके की, जो पूरे इंग्लैंड की आबादी है वो यूपी की आबादी का भी आधे का भी ऑलमोस्ट आधा है। 6.5 से 7.25 करोड़ आबादी है टोटल यूके की, जिसमें से कि 1,36,00,000 लोग गरीब हैं यूके में। यूके में हमें पता ही नहीं था वहां गरीबी रहते हैं। 7.25 करोड़ की आबादी में 1,36,00,000 गरीब लोग हैं, गरीब पूंजीवादी। तो अपने यहां पहले लोगों को रोजगार दे ले। और ये अंग्रेज ये कहते हैं कि आप 75 साल में नहीं बना पाए, ये अंग्रेज जब से भारत से गए हैं तब से उन्होंने कितने स्ट्रक्चर बना लिए जो आजादी से, भारत की आजादी से पहले बनाए थे यूके में, कितने बिग बैन इन्होंने आजादी के बाद बनाए भारत की। इन्होंने जो ब्रिटिश म्यूजियम है, कितने ब्रिटिश म्यूजियम जैसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने आजादी के बाद बनाए भारत की, बताएं ना मुझे। लंदन ब्रिज जैसे कितने स्ट्रक्चर इन्होंने भारत की आजादी के बाद बनाए, भारत से जाने के बाद पैसे का फ्लो, भारत से जाने के बाद पैसे बंद हो गए ना, तो बेचारे बना नहीं पा रहे। उसकी टीस तो रहेगी, वो टीस है, थी, हमेशा रहेगी। हमें तो लोगों को बुरा लगता है, मुझे नहीं बुरा लगता। मैं तो खुश होता हूं, मुझे हंसी आती है इनको देख के, मैं एंजॉय करता हूं जब ये कलपते हैं भारत का विकास देख करके, और उसके बाद जब इस तरह से जाहिलों जैसी बातें करते तो मैं तो हंसता हूं इनके ऊपर। बहुत से लोग नाराज थे मुझे कल, बहुत से लोगों ने कहा आप ट्वीट करिए, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं नहीं ट्वीट करूंगा, मैंने कहा ये अटेंशन ही तो चाह रहे हैं, क्यों देना है इनको। वो एक मूवी आई थी ना वो अनिल कपूर की, जो मजनू भाई बना था शायद, वेलकम, उसमें वो कहता ना कि बोलने दे दुख हुआ है बेचारे को। ठीक है, तो हमको भी वैसे ही करना चाहिए, बोलने देना चाहिए, दुख हुआ है बेचारों को, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दूसरे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान वाले, उन वो जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था लास्ट मोमेंट पे तो बड़े खुश हो रहे थे। वो डब्बू चौधरी ट्वीट कर रहा था, और वो साइंस का मिनिस्टर था उसने, अच्छा वो खुद साइंस का ऐसा मिनिस्टर था जिसने अपने पूरे टेन्योर में सिवाय एक वो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है ना हमारे यहाँ चलती है, वो 5-5, 2-2 रुपए लेके, हाँ मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी होती है बैटरी वाली ई रिक्शा, उसने पाकिस्तान में बैटरी वाली ई रिक्शा इंट्रोड्यूस कराई थी। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो आम लोगों के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, हमारे देश के साइंटिस्टों ने बड़ा मेहनत किया और ई रिक्शा बनाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये डब्बू चौधरी का ये अचीवमेंट था साइंस मिनिस्टर। डब्बू चौधरी मतलब फवाद चौधरी, फवाद चौधरी, आप लोगों ने डब्बू नाम रख दिया। हाँ, मतलब वो एज अ साइंस मिनिस्टर वो इस चीज पे उसको अचीवमेंट मान रहा था कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मुल्क के साइंटिस्ट को कि भाई उन्होंने ई रिक्शा बनाई है, कैन यू इमेजिन। वो कॉमेंट कर रहे थे चंद्रयान 2 के ऊपर। अब आज आप देख लीजिए, अब वो एक पाकिस्तानी का मैं किसी ने भेजा था मुझे, तो उसमें वो कह रहा था कि यार हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम पहले से ही चांद पे हैं। तो बोलते हैं कि भाई साहब हम कैसे चांद पे हैं, तो कहते हैं अरे चांद पे गैस है, बोलता है नहीं, चांद पे पानी है, कहता है नहीं, क्या चांद पे बिजली है, कह नहीं, तो कह ये सब तो हमारे यहाँ भी नहीं है। तो चांद में और पाकिस्तान में क्या अंतर है। सो ये हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो चांद पे ही हैं। अच्छा अगर ये मैं इनको सजेशन दूंगा, हमने जब पाकिस्तान के 76 साल पार्टीशन के बाद का हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्या कुछ बदला है इंडिया पाकिस्तान में, हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी जिसमें हमने एक पॉइंट उठाया था कि भारत जो है वो चांद पे जा रहा है और उनके झंडे पे चांद है, तो पाकिस्तान तो खैर किसी लीग में नहीं। देखिए हमारा कॉम्पिटिशन आज की डेट में नासा के साथ है, हमारा कॉम्पिटिशन बाकी दुनिया की जो चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ है, तो और हम सक्सेसफुली इन सबको हम बीट कर रहे हैं, और हम बीट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, हम इनको बीट कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी कर रहे हैं। हमारे जो मिशंस हैं चाहे वो मार्स मिशन हो चाहे लूनर मिशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस्ड है ऐसा नहीं है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ते भी हैं,
वो हर एक इंसान अफोर्ड भी कर सकता है। आप एक दवा बनाते हैं लेकिन वो दवा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अगर या वो दवा बहुत महंगी है सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो दवा बना भी ली आपने तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन अगर आपने वही दवा 5 रुपए में 10 रुपए में अगर आपने बनाई और एक आम इंसान उसको 10 रुपए में अफोर्ड कर सकता है, तभी उसकी यूटिलिटी है, तभी वो जनहित में यूज काम में आ पाएगी। इसलिए आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो नासा की जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं पिछले इतने सालों में 70 सालों में, वो ज़्यादातर मिलिट्री यूजेस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं। वो लोगों के लिए वो बाद में आती हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी आ जाती है फिर 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो फिर आम लोगों के पास जाती है, क्योंकि जब तक वो उस 15-20 साल के दौर में क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D नहीं हुई होती तो उसको वो महंगी बहुत होती है, तो आम लोगों को दे नहीं सकते आप। तो जब तक वो कॉस्ट R&D चलती है, जब वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, तब जा करके वो 15-20 साल बाद वो आम लोगों के पास जाती है। तो इंडिया की जो इसरो का जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो है सैटेलाइट्स, इसीलिए तो आप देखिए अमेरिका के, यूरोप के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिडिल ईस्ट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए इंडियन रॉकेट्स का इस्तेमाल करती हैं, इंडियन व्हीकल्स का इस्तेमाल करती हैं। वो उनको पता है कि अगर हम ये सेम चीज़ लेकर के स्पेसएक्स या नासा के पास जाएंगे, वो हमसे इसी काम का, हमारा सैटेलाइट भेजने का हमसे 5 करोड़ रुपए लेंगे, और वही काम जो इसरो जो है वो हमारा 1 करोड़ रुपए में कर देगी। जितने बाबू ने उतना झुंझुना हो जाता। तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है ना इसमें। तो बहरहाल बहुत शुभकामनाएं, और ये जितने जल रहे हैं ये UK में बैठे हुए, ये जलें, और देखिए ये सारे के सारे ये वही हैं, ये है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल फलाना इंडेक्स, मतलब एक ऐसा इंडेक्स बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के लोगों से ज़्यादा खुश दिखाते हैं। इवन श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और लोग सड़कों पे आ गए, प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा कर लिया, महंगाई इतनी बढ़ गई, इकोनॉमी क्रैश कर गई, खत्म हो गई सब कुछ, और उसके बाद जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आया उसमें श्रीलंका भारत के ऊपर था। तो ये खुद बताता है कि ये कितने प्रेजिडिस के साथ ये सारे की सारी रैंकिंग्स बनाई जाती हैं, कितने प्रेजिडिस के। और मैं भारतीय लोगों से ये कहूँगा कि आप इसके लिए तैयार रहें, जैसे जैसे भारत विकास करेगा इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपके खिलाफ झूठ बढ़ेगा, आपके खिलाफ जो विष है वो फैलाया जाएगा, घोला जाएगा पूरे समाज में दुनिया भर के, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, आपके खिलाफ झूठे आर्टिकल लिखे जाएंगे, आपकी जो लीडरशिप है राष्ट्रीय लीडरशिप उसके खिलाफ किया जाएगा प्रोपेगेंडा, उसको कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जब तक इंडिया में देखिए कोलिशन गवर्नमेंट्स आती रही तब तक इनको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये इनको पता था कि कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, रीजनल पार्टीज होंगी, किसी का कुछ स्कैंडल ले आएंगे, किसी को ब्राइबरी करा पैसा दे देंगे, कुछ ना कुछ करके हम इनको शेक करते रहेंगे, इनको हम नहीं ग्रो करने देंगे। अब 2 बार से फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ रही है, कैसे बर्दाश्त करेंगे कि यार एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस कंट्री। देखिए मेरा BJP से, नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये चीज़ कि इंडिया में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो इस चीज़ को गारंटी करती है कि हमारा जो विकास है वो विकास की जो गति है वो तेज हो जाए, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। एक इंसान है, उसने डिसीजन लेना है, फाइल उसके पास जानी है, उसके पास जाएगी, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसको अपने कोलिशन पार्टनर्स को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस की या इनकी जो है जो मिनिस्ट्री है वो कोई कोलिशन पार्टनर नहीं मांग सकता। तो वो डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं, फंड्स का एलोकेशन बड़ा इजी हो जाता है। जब कोलिशन पार्टनर होते हैं तो आपको वो कहते हैं नहीं यार मुझे रेलवे में इतने 1000 करोड़ का फंड चाहिए, मुझे इतने का बजट चाहिए ही चाहिए। आज ऐसा नहीं है, अगर आज इसरो ये कहती है कि हमको 800 करोड़ का बजट चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि प्राइम मिनिस्टर वो 800 करोड़ का बजट एलोकेट करे या ना करे। खत्म हो गए भाई साहब, क्या बात है वैभव सिंह आज जो थे भाई साहब वो कहते हैं आज ऑन सारा कुछ गिनवा दिया आज भाई, आग भगोला थे लेकिन स्लो मोशन में जो स्लो मोशन में ब्रिटिश की उतारी है ना
बीबीसी वालों के यार अपने लोगों को एडवाइस भी की है, करनी बनती है भाई। अब देख रहे हैं वो कह रहे हैं अब सीखे इंडिया की तरक्की से बैर वाले सारे कंट्री जल रहे हैं, पाकिस्तान इसमें शामिल है, अमेरिका तक। पाकिस्तान ने क्या किया भाई साहब, अंदरों अंदरी जो बात है ना वो तो है ना, भी इंडिया भाई साहब क्यों नहीं है, किसी एक पाकिस्तानी मिनिस्टर या हुकूमत या आर्मी या किसी इदारे ने कहा हो कि ये बुरा हुआ ये नहीं होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट एक तो दिखा, स्टेटमेंट मुफ्ती मोदी ने कहा हो, स्टेटमेंट देते तो आपने मानना था, भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी थी इसका दिल में जो थे वो बाहर आया कि नहीं आया, तो इन्होंने भी वैसे कुछ लोगों ने भाई किसी ने पाकिस्तान बात सीधी थी जो जिस औकात का मामला है इंसानी नेचर, दोस्त जो है ना पास हो जाए फेल हो जाए दुख होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, मेरे जैसा नेचर है ना इसको दोस्त अपनी मेहनत पे होना चाहिए, तो बिल्कुल उन्होंने भाई साहब तरक्की की मेहनत की, तो पाकिस्तान कुछ हो रहा पाकिस्तान भाई साहब ना इंडिया रोक सकता, पाकिस्तान रोक सकता है उसकी मेहनत को ना, फिर हो सकता है हम खुश हो नाराज हो हम जो भी हो लेकर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, ये बंदा पता नहीं किस तरह की बात है, कोई फर्क पड़ता है कुछ नहीं, कैसे साहब फर्क पड़ता है ये अच्छा, बात मत करो, हम तस्लीम करें उसका उधर जाना या ना करें हमको क्या, या उनको क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, छवि का कोई फर्क नहीं होता तो उनकी छवि की कौन सी हमारी को हो रहा है, और हमें क्या लेना देना चांद पे, क्या यार ऐसे ही कच्चा कर दिया कुछ उधर से कमाई गई अभी तक, अच्छा ये पहन हुई थी इंडिया में वो क्यों पहन की गई, इंडिया ने 6,500 करोड़ खर्च कर दिया, इतने हमारे पास पैसे तो हमने इधर प्लाट ले लेने, उसका मुआवजा भी इधर ले लेने से मिल गया, उन्होंने रास्ता बना दिया तुम जाकर चांद पर प्लाट खरीदो, तो एक इनका एक लैंड हो गया सही, आगे जाने वाला फिर फ्लॉप हो गया, तो फिर क्यों फ्लॉप हो गया, हो सकता है तो भाई आगे की आगे देखे कोई बंदा ये ना सोचे कि भाई हमना हमारा जो है ना पहला जो वो अच्छे से लैंड हो गया किसी बंदे को भेजते हैं, पैसा पहला नहीं है तीसरा है, तो पहला लैंड तो पहले ही हुआ है ना, सही लैंड तो पहला हुआ तो लैंड की बात करो, वैसे मजाक करा था भाई, और भाई यूके वाले जो है ना जो इनको जलन तो होगी भाई साहब, मर्चे नीचे से लग रही होंगी कि ये भूख और गुर्बत वाले वो ताना मार रहा था, अच्छा ये 70 करोड़ मौसम कह रहा था ना कि पाकिस्तान में भी ऐसी नफरत हो रही है, यहाँ भी जलन हो रही है, यार तो भाई जलन होती चेंज हो सका है, इनका माइंड हमारे मुकाबले में कुछ लोग होते हैं, यूजर बात कर रहा जो समझदार बंदा है वो भाई दवाई कर रहे क्योंकि इससे इंसानियत का भला होने वाला है, कौन सा नेगेटिव सोच वाले नैरो माइंड है वो ही सोचेंगे घटिया सोच रखेंगे, बिल्कुल पाकिस्तान में लाजमी चल रहा है कि भाई हमारे पास ना बिजली है ना गैस है ना पानी है तो भाई हम चांद नहीं लेकिन ये तो ऐसी भी बातें कर रहे हैं, यकीन माने मैंने डेरों पर देखा है जो अनपढ़ लोग है ना बिल्कुल चारा डाल वो भी बातें कर रहे थे भाई, कमाल कर दिया चांद पर पहुंच गए, कमाल वो तो मानना पड़ेगा, और भाई एजुकेशन वो अक्सर हमें ना बुजुर्ग भी मिसालें देते हैं कि भाई साहब एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो इससे कोई बांट नहीं सकता, बाकी सब चीजें जो है वो बांटी जाएंगे रिश्तेदारों में, तो ये भाई एजुकेशन ऐसी चीज है कि आज एजुकेशन की वजह से आप तरक्की, और इसमें भाई साहब ईमानदारी बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई भी दुनिया का काम है ना उसमें ईमानदारी नहीं तो भाई वो काम हो ही नहीं सकता, एक डॉक्टर है वो ईमानदार नहीं होगा तो किसी का ढंग से इलाज नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज मेहनत की ईमानदारी से आज वो आगे, नहीं तो वो कहते भाई हमें तनख्वाह मिल रही है हमारा क्या यार जाने दो परे, ऐसी बात है होते हैं ना सरकारी काम जो होते हैं ना दफ्तर वहाँ पर अक्सर ऐसा चलता है तो इधर जो भी सरकार में एक मरतबा दाखिल हो जाता है वो बस बोलता है मेरे जो है ना जिंदगी मुझे तो मुआवजा मिलती रहेगा चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ ये सोच आगे नहीं लेकर जाएगा, तो भाई साहब अब वो देखे उनके मिशन था कि चांद पर जाना है तो वो गए, क्या वो सरकारी मुलाजम थे और उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और वो चले गए,
तो मकसद ये है भाई साहब, जो जिस शोबे में भी है ना, अगर ईमानदारी से काम करेगा तो भाई देश की इज्जत होगी पूरी दुनिया में। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बच रहा है भाई, इकोनॉमी की वजह से भी बढ़ रहा है, और आज जो इसरो गया है चांद पे उसका भी बज रहा है, इसरो का दुनिया में नाम बज रहा है भाई, चौथा कंट्री बन गया जाए चांद, और पहला कंट्री जो साउथ पोल पर गया है, और जो रोवर उतरा है वो भी पहले ही होगा भाई। बिल्कुल, पहला रोवर जो है वो किसने उतारा जी, इसरो ने, इंडिया ने, तो इसमें भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का माहौल है। और जो टाउन करने वाली बात है कि 7 करोड़ जो लोग हैं, 70 करोड़ बोल रहे थे, 70 करोड़ लोग के पास टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की ये मेरे ख्याल में बीबीसी वालों ने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी जिसमें था कि लोग जो है वो टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब तो इंडिया बदल गया भाई, बदल गया बिल्कुल, ये 5 साल लोगों के माइंड में तो वो पुराना कांसेप्ट है, यहां वो कांसेप्ट है, अंधे है, दिखता नहीं है, कुछ लोग होते हैं अभी, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे हो जाएगा, रिपोर्टें चाहे आती रहे भाई साहब, कुछ लोग अभी भी होंगे जिनके घर में टॉयलेट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं यार, कोई बैग वाले ऐसे इलाके हैं जहाँ वो लोग बैग चले जाते हैं, तकरीबन हमारे अभी हजारों लाख लोग बैग जाना पसंद करते भाई, हमारे इतनी ज्यादा तादाद में है जहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी है यार, वैसे तो नहीं टॉन कर सकते, हम गाँव में रहते हैं, हमारे गाँव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें टॉयलेट नहीं होगा, हर घर में, तो अब तो लोगों ने पैसा कमरों के साथ अटैच कर दी है, तो जिसके पल्ले कुछ नहीं, ना कोई इकॉनमी है, ना कोई इज्जत रही है, ना कोई बेरोजगारी इतनी है, गुर्बत है, फिर भी हमारे यहाँ सभी के घरों में है, हमारे यहाँ इंडिया इतना तरक्की कर गया है, और भी ज्यादा थोड़े से गाँव कुछ है जहाँ पर नहीं होंगे, जंगलों के नजदीक गरीब लोगों के घर में, जो बंदा अपनी मेहनत मजदूरी करता है उसके घर में जरूर जरूर है भाई, क्योंकि जरूरत है भाई, क्योंकि इससे क्या होता है, आसानी है, सहूलत है भाई जी। इसलिए कि अगर लेडीज जो है वो जाएंगी बाहर, सिक्योरिटी भी होती है कि भाई कोई बंदा देख ना ले, क्योंकि इज्जत का मामला होता है ज्यादातर बच्चियों के लिए, और साथ में भाई साहब टाइम की बचत होती है, आना जाना, पेशेंट हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, तो ये भाई अच्छी चीज थी, तो ये बन गई और अच्छी बात है। तो बाकी अच्छा, हैप्पी इंडेक्स में और हंगर इंडेक्स में वो इंडिया से जो है श्रीलंका को ऊपर लेकर, तो कहता है ना कि फर्क नहीं, लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है भाई साहब, अपनी पब्लिक अपने हुक्मरानों के खिलाफ हो जाती है कि दुनिया में किस नजर, किन नजरों से देख रही है, तो फिर हुए तो नहीं पाकिस्तान, वो समझते हैं पाकिस्तान हुए तो नहीं है, ये गैरतमंद नहीं है, जरूरतमंद यार, यही बात है, इसलिए भाई साहब के हमारे पास 300 लीटर होने के बावजूद भी भाई साहब आपके पास, आपके सामने स्माइल कर रहे होंगे, तो स्माइल अब मुश्किल हो गई, नहीं नहीं भाई, कसम से भाई मैं बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, वो चल रहा है, मुश्किल है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हम मर गए हैं, लेकिन मुश्किल हो गया, 44-45% बढ़ जाए, अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, बोलना कि भाई सब सड़कों पे लोग नहीं निकलेंगे, वो तो ऑब्वियसली करोड़ जो लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं निकलेंगे, ऐसा नहीं है, अभी हालांकि राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन तंगी है भाई, तो तंगी तो भाई साहब रहती है, बाकी खुश रहना वो चौबीस घंटे का सबसे फिक्र ही है भाई, पेट्रोल ना खत्म हो जाए, जाते डलवाते हैं, आते डलवाते हैं, जो जो कार बिलों के साथ हो चुकी है ना, वो तो भाई साहब समझ से काम बाहर है, तो फिर रोड पे एक बंदा भी नहीं आया, 300 के ऊपर पेट्रोल चला गया, एक बंदा भी नहीं आया, सोना जो वो कहां का जमीन का आसमान को छू रहा है, कोई बंदा रोड पे नहीं आया, इस महंगाई में बेचारे जो गरीब है ना, जो बहुत ही गरीब है वो पिस रहे हैं, जो दरमियाने उनकी वजह से नहीं बढ़ती, ये बात है उनकी वजह से, यार ये देख ले बनाना क्या केला, तेरे गाँव के अंदर 3 दुकानों का अलग अलग रेट हुआ है, एक दुकान में 150, एक से 170 से, एक पे 200 तो है ना, ईमानदारी से तो कोई काम नहीं, कोई बंदा ईमानदार लेके जा रहे हैं, देखो दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाकर फायदा डबल कमाई कर रहा है, तो यही तो होगी ना, क्या है ये गैरतमंद बंदा ऐसा नहीं करता, कोई गैरत नहीं कर रहा, जरूरतमंद है, अपनी जरूरत दूसरों लोगों से अपनी पूरी किए जा रहा है,
पर गुजारा किया जा रहा था। तो ठीक है भाई, वैभव सिंह की जो बातें थी भाई साहब सही बात है कि अमेरिका जो है ना वो दूसरों पे या ब्रिटिश उंगली उठाते हैं कि खुद जो है वो गरीब आज देख रहे हैं कि अमेरिका में कई खराबियां चल रही है। बिल्कुल स्कूलों कॉलेजों में गन्ने लेकर फिर रहे हैं, लोग आगे मार जाते हैं, नशा उधर है, गुर्बत उधर है, बेरोजगारी उधर, सिस्टम सारे पुलिस से कुछ कंट्रोल हो। पिछले दिनों पाकिस्तान एक लड़का पुलिस वाला नहीं उधर कत्ल कर दिया गया, अपनी बहन के साथ जा रहा था, वर्दी में ड्यूटी से आया और वो घर का कोई सामान खरीदने के लिए वो चला गया अपनी बहन को साथ लेके, उधर ही पैदा हुआ है, मतलब है ना फैमिली उधर गई थी, वो पैदा हुआ उधर ही पढ़ लिख के पुलिस में लग गया। अमेरिका के अंदर आज महीने के ऊपर हो गया है, अमेरिका पुलिस बंदे को नहीं पकड़ सकी किसने गोली मारी है। और पिछले दिनों मैं कल के परसों एक वीडियो और देख रहा था, कहां वो अमेरिका की वो पुलिस वो ये वो मॉडर्न सिस्टम किधर है, कैमरा लगा हुआ था और एक नौजवान आता है उधर कहीं और उसको मार पीट कर चला जाता है, हालांकि एक बुजुर्ग है 70-80 साल है उसकी उम्र, किधर कहां अमेरिका की वो ताकत है वो वाली वो बात सुनिए ना, ऊंची दुकान फीके भगवान, ये हकीकत है बस, ये सुपर पावर नाम का बना हुआ है भाई। टाउंट नहीं करना चाहिए, अगर आज ब्रिटिश आपको टाउंट करें तो आप चांद पे पहुंच गए, हमें मत करें कहीं हम सूरज पे ना पहुंच जाएं, क्योंकि हमने जब सीरियस ले लिया ना तो हमारी स्पीड बहुत तेज है भाई, रुकने वाला रॉकेट से भी तेज हो जाए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।